Brought to you by ITEL. बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग ने सबके होश उड़ा दिए। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उससे भी सभी के होश फाख्ता हो गए हैं। अब इस केस की जांच के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम ने सलमान के घर फायरिंग करने वाले विक्की गुप्ता और सागरपाल के गांव मसीह में डेरा डाल दिया है। यहां पर इन दोनों से जुड़े कई लोगों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान आरोपियों के साथ मसीह की एक महिला और उसके पति का कनेक्शन सामने आया है। ये वही लोग हैं जिनके खातों में संदिग्ध लेन देन हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विक्की और सागर का इस महिला के साथ काफी करीबी रिश्ता है। महिला को उसके पति के साथ ये दोनों बाहर घुमाने भी ले गए थे। सूत्रों के अनुसार महिला और युवक के खाते में क्रमशः 1.5 और 4 लाख का संदिग्ध लेन देन हुआ है। क्या इन पैसों का कनेक्शन सलमान के घर पर हुए हमले से है? ये रुपए किसने इनके खाते में ट्रांसफर किए हैं? इसकी जांच की जा रही है। चर्चा ये भी है कि विक्की और सागर की करीबी महिला अपने पति के साथ नेपाल चली गई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनके परिवार से उन्हें घर बुलाने के लिए कहा है। इसके अलावा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच विक्की और सागर के करीबी गांव के ही रहने वाले आशीष चौहान की भी तलाश कर रही है। तीनों के बीच गहरी दोस्ती है। अलग अलग जगह पर कमाने जाने के बाद भी तीनों हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इस मामले को लेकर आशीष की पत्नी नीतू ने बताया कि दोस्ती की वजह से विक्की और सागर से उनकी बात होती है। सलमान के घर पर हुए हमले से उनके पति का कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं जानते क्योंकि हम यहाँ वही आदमी है। आशीष भी नाम है उन्हें का? एक ही आदमी का, दो नाम है। तो कब गए थे आप यहाँ से? वो हो गया 10 दिन, 7 दिन हो गया। आप 7 दिन से गए थे? कहाँ कहके गए थे? गोरखपुर गए थे। गोरखपुर क्या करते हैं? सरिया का काम करते हैं। सरिया काम करते हैं। घर में आते तो घर में कुदार चलाते हैं। कुदार चलाते हैं या तो सेंट्री में। मसीह पहुंची मुंबई पुलिस की टीम ने सागरपाल के पिता से भी बातचीत की। सुनिए उन्होंने इस दौरान क्या जानकारी दी। भाई बांग का करता का धरता न्यूज देखनी सो तो मालूम चलन जे जय बता है बाहर इतने जान बन बस। कब से बाहर गई रहला? होली बिकल है गोली हम ना देखने सर तो हम कैसे बताएंगे गोली? जब सीधा आदमी जाके ना बाहर कमात रहो बाहर अब का मोती भैले उन्हें चल गए तो हमारे हमने के फसल बनी से बाहर में। कितना दिन से बाहर रह ए 2-3 साल से तो बाहर कमात रह दो 3 साल से बाहर कमा तो निर्दोष बा हम का कह चाहता नहीं हम तो निर्दोष हाँ निर्दोष। बता दें कि पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार हुए विक्की गुप्ता और सागरपाल के काले कारनामों की लिस्ट बेहद लंबी है। इन दोनों के बारे में पता चला है कि दोनों ही आवारा किस्म के लड़के हैं। दोनों ही मजदूरी करने के नाम पर बाहर जाते थे लेकिन 20 से 25 दिनों में ही घर वापस लौट आते। दोनों शराब और गांजा पीने के आदि हैं। परिवार का पेट पालने के लिए माँ बाप दिन रात काम करते और नशे के आदि हो चुके सागर और विक्की महंगी बाइक पर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते। हालांकि गांव वालों के साथ दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। फिलहाल पुलिस सारी कड़ियों को जोड़कर जांच करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।